प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहु सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नेदरलैंड मध्ये झालेल्या संशोधनानुसार 6 अंजिरात 891 मिलीग्रॅम ब्लड प्रेशर घटवणारे पोटॅशियम असते। वा, रोज अंजीर खाणाची हे मो हॅलो जी, नाही माधवी नाही आहे घर पे, आप कौन बोल रही है? सुब्बू लक्ष्मी। अच्छा अच्छा जी, नाही वो होलसेल मार्केट गई है। शेअर मार्केट नाही, होलसेल मार्केट, वो अचार और पापड का सामान खरीदने गई है। हाँ नहीं नहीं, ये माधवी राव का नहीं, माधवी भेड़े का घर है। मतलब नाम बराबर है, सरनेम गलत है। हाँ, रॉन्ग नंबर, करेक्ट। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। बॉलिंग गोली, बॉलिंग चल गोली, विकेट। ओ आवाज इट, टप्पू सेना भी ना वेकेशन में एक मिनट आराम नहीं करने देगी। अरे अरे हाड़ू, ए क्या हो रहा है ये? अपील विडंगल, अपील। अरे भाई, मैं तुमसे अपील करता हूँ, जरा सोसाइटी में शांति रखो। विडंगल, अब मुझे एक बात बताओ, एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? नहीं। बिना गुटली काम होता है? नहीं। बिना कांच का चश्मा होता है? ए, तुम मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो? अरे अब बताओ तो सही। अरे नहीं होता भाई। तो वेकेशन में शांति कैसे हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। तू वेडेस करे? वेडा नहीं, विडंगल। गड़ा गड़ा, मेरा सरनेम गड़ा है, गड़ा। टप्पू, जासी शानपणा करू नको सर, मुझे यहाँ पे अभी 2 घंटे के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। अरे पर विडंगल, ये गोलिया चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। या उनका क्लास चल रहा है क्या? हाँ, वेकेशन में कच 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 तो टू मच है यार। हाँ। अभी ऐसी डांट पड़ी है कि 2 घंटे तक शांति रहे। आइडिया, बीड़े अंकल को अपना काम करने दो और हम अपना काम करेंगे। मतलब हम अपील जारी रखेंगे। अरे तू चुप रहना गोगी। जाने देना, बाबा गुस्सा करेंगे। अरे क्या गुस्सा करेंगे सोनू, एक तो वेकेशन में मम्मी पापा हमें कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहे, और भीड़े अंकल हमें यहाँ खेलने से मना कर रहे। करे तो क्या करे? अच्छा, आओ
अच्छा अभी जानबूझ के इधर ही शोर कर रहे, अभी सबक सिखाता हूँ। इतना शोर क्यों? क्या तकलीफ है तुम लोगों को? हाथ अंकल देखो ना, बीड़ा अंकल हम यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे। अच्छा मैं बात करता हूँ। ईश्वर करना है ना करो अभी ये। बीड़ा मास्टर ये क्या किया तुमने? अरे हाथी भाई आप कहाँ से आ गए? घर से आ गए, वो भी नहा के। सॉरी सॉरी। थैंक गॉड मोबाइल चालू है। अरे बाप रे आते अंकल, आपका फोन देखो पूरा भीग गया। हाँ हाँ, अरे ये तो बंद भी है। ऐसे कैसे बंद पड़ गया? ऐसे कैसे बंद हो गया? अरे पानी डालोगे तो बंद नहीं होगा। अरे बिल्कुल नया लिया था भाई। अरे देवा सॉरी, मैं अभी नीचे आता हूँ। आ नीचे तुझे बताता हूँ। अरे देवा बाट लगली। अगर मेरे पापा का फोन बिगड़ गया तो उसका नुकसान कौन भरेगा? सिंपल गोली, जब हम क्रिकेट खेलते हैं और कांच टूट जाता है तो उसकी भरपाई कौन करता है? हम। मतलब भरपाई हम करेंगे? अरे नहीं गोगी, हाथी अंकल का मोबाइल भीड़ अंकल ने बिगाड़ा है तो उसकी भरपाई वही करेंगे। हाँ। अरे डॉक्टर हाथी, I'm really sorry, क्या हुआ? मैंने बच्चों को बोला था यहाँ पे शोर मत करना, मैं सो रहा हूँ तो जानबूझ के यहाँ पे शोर करने लगे। तो इनको सबक सिखाने के लिए मैं अंदर बाल्टी में पानी लेने गया और जैसे मैंने पानी डाला तो आप खड़े थे। सॉरी। अरे क्या सॉरी भिड़े मास्टर, मेरा मोबाइल तो भीगने के बाद भीगी चिड़िया बन गया ना। हाँ अभी हाथी अंकल लगता है आपका फोन 15-20 हजार का तो होगा। अरे लगता क्या है, ये तो है। अरे बाप रे। भिड़े मास्टर अब मुझे एक बात बताओ, मेरा मोबाइल रिपेयर करके दोगे या रिप्लेस करवा के? बहु बहु हाथी अंकल मेरे पापा कहते हैं कि एक बार फोन भीग गया तो वापस रिपेयर नहीं होता। सुना तो है। अरे ये मोबाइल तो चालू है। अरे एक काम आ गया। अरे ये टप्पू सेना भी एक नंबर की चालू है। हाथी भाई आपका मोबाइल चालू है? पता है मुझे, मैंने ही तो बंद किया था। अरे क्या हाथी भाई आप भी बच्चों के साथ मिल गए। ये बच्चे पूरा गोकुलधाम वेकेशन में सर पे उठा लेते हैं, ऊपर से आपने मुझे टेंशन में डाल दिया। ये लीजिए आपका मोबाइल। बड़े मास्टर गर्मी के दिन में जो पानी वेस्ट किया है तुमने उसका ये इंजेक्शन था। लेकिन उससे मैं पानी पानी हो गया ना थोड़ी देर के लिए। तो सबक सिखाने के लिए बच्चों के ऊपर पानी डालोगे तुम? अभी वो मुझे सोने नहीं दे रहे थे। अरे दोपहर में तो औरतें सोती हैं बड़े मास्टर। क्या हाथी भाई आप भी क्या बोल रहे हो? चलो बड़े मास्टर बच्चों के साथ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं आप ही मजे कीजिए, मैं जाता हूँ ऊपर। चलो क्या कठिन है ये, नहीं सुधरेगा। 60 रुपया। टप्पू सेना बच्चों को सोडा नहीं, आज मैं तुम लोग को लींबू शरबत बना के पिलाता हूँ। खट्टा मीठा लींबू शरबत। ओके पर मेरे लिए 4 पैसा। क्यों नहीं टप्पू कुछ करना पड़ेगा, वेकेशन में भी खेलने पर पाबंदी। ऐसे मत करो वैसे मत करो, ऐसे मत खेलो वैसे मत खेलो, वैसे तो हम बोर हो जाएंगे। हाँ एटलीस्ट मम्मी पापा को घूमने ले जाए तो मजा आ जाएगा, है ना? हाँ। चलो चल। अरे मैं तुम्हारा मम्मी पापा नहीं हूँ बेटो। तो चलो क्यों बोला? हाँ। अरे मेरे कहने का मतलब था कि चलो अपने अपने पापा को फोन करते और कहते कि हमें घूमने लेके चलो। लेकिन सबके पापा मानेंगे, उसके पापा मानेंगे, उनके साथ घूमने चलेंगे। चलो फोन करो, मेरे पापा तो घर पे ही है, मैं अभी पूछ के आता हूँ। नहीं गोली, अगर हम घर जाकर पूछेंगे तो हमारी मम्मी मना कर देगी, उससे अच्छा हम यहीं से फोन करते हैं। हाँ वैसे भी एक नींबू पानी पे एक फोन फ्री है। हाँ गोली किसने कहा है? कहाँ लिखा है? अरे लिखा नहीं है, ऐसा लिखो बच्चों के लिए वेकेशन ऑफर, ऐसी स्कीम आपको रखनी चाहिए। हाँ करो फोन करो टप्पू सेना के लिए वेकेशन का बोनस। तो पहले फोन कौन करेगा? लेडीज फर्स्ट। सोनू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
पापा सोनू। सोनू काय झालं? काय नाही। तो फिर फोन क्यों किया? ये पूछने के लिए कि कल आप हमें घुमाने लेके जाओगे। हमें मतलब पूरी टपू से ना को? हाँ। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल लेके जाऊंगा। करण पापा मान गए। हाँ मैं कल तुम सबको बहुत सारी जगह घुमाने लेके जाऊंगा। वाओ हम कहाँ कहाँ जाएंगे? बोरीवली, कांदिवली, मलाड, जोगेश्वरी, चिंचपोकड़ी, करी रोड। वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने मुझे जाना ही है ना, तो तुम सब मेरे साथ चलना और वो भी मेरी स्कूटर पे। बहुत मजा आएगा, है कि नहीं? वीरंगल कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाएंगे? बाबा हमें बोरीवली, कांदिवली, चिंचपोकड़ी और पता नहीं और कहाँ लेके जाएंगे, और वो भी अचार पापड़ की डिलीवरी करने और हमारी स्कूटर पे जिसमें पेट्रोल कम रहता है। मला वाटलं सोनू ये घूमने का आइडिया ना टपू के दिमाग से ही आया होगा। तुम्हें कितनी बार कहा है सोनू कि टपू के साथ मत खेला करो, अरे वो तुम सबको बिगाड़ के रख देगा। भीड़ अंकल बाहर घूमने जाने का प्लान किया, उसमें क्या बिगाड़ा? रुको पापा को आने दो, बता दो कि आप गड़ा फैमिली को कुछ भी बोलते। अरे नहीं नहीं टपू मजा है। हेलो 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 टपू, बाबा जेठ अंकल में टेंशन हो जाएगी। डोंट वरी सोनू, भीड़ अंकल को टेंशन देने के लिए मैंने उसे बोला। अरे आपको टेंशन नहीं, अब मैं मेरे पापा को फोन करता हूँ। हेलो। हेलो पापा, मैं गोली। गोली बेटा कहाँ हो? मैं अब्दुल भाई की दुकान से। वेरी गुड बेटा, आते हुए 2-3 पैकेट बिस्किट ले लेना। हाँ पापा मैं वो लेके आऊंगा, पर आप मुझे एक बात बताओ, कल आप पूरे टपू सेना को घुमाने लेके जाओगे? घुमाने? अरे वो क्या है ना बेटा, धूप बढ़ती जा रही है, धूप बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है तो बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर धूप में जाओगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ सोसाइटी के गार्डन में घूमो, वहाँ धूप भी नहीं है, वहाँ छांव है। हाँ एक बार याद रखना बेटा, आते हुए बिस्किट लाना मत भूलना, वो भी क्रीम वाले। ओके? हाँ पापा। चलो टेक केयर। क्या बुलाते अंकल है? चलो भाई नेक्स्ट पापा कौन है? नहीं नहीं नट्टू काका, ये मोबाइल के बहुत कंप्लेंट है, इसका ऑर्डर मत दो। ठीक है सेठ जी। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नट्टू काका यार। नट्टू काका मैं टप्पू बोल रहा हूँ। हे लिटिल मास्टर, हाउ इज गोइंग ऑन योर वेकेशन? वेरी बोरिंग। डोंट वरी टप्पू सेठ, आई विल मेक योर फेस लाफिंग। दुकान में 10,000 के एक मस्त वीडियो गेम आई है, भेज देता हूँ। सिर्फ मेरे लिए? तो अच्छा अच्छा समझ गया, पूरी टप्पू सेना के लिए बस। हाँ क्या पूरी टप्पू सेना के लिए 10,000 के गेम पूरी टप्पू सेना के लिए भेजेंगे तो कितना होगा पता है? सिर्फ 50,000। बोलो टप्पू बेटा बोल। पापा मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ? अगले साल की पढ़ाई शुरू कर दे बेटा। क्या पापा, वेकेशन तो घूमने फिरने के लिए होता है। पापा कल हम कहीं घूमने जाएंगे? कल तो आज। भाई तू क्या मुझे रिमोट समझता है? तूने जो भी बटन दबाया वो चैनल सीधी चालू हो गई। भाई ऐसा दुकान छोड़ के मैं घूमने नहीं निकल सकता बेटा। क्यों नहीं निकल सकते सेठ जी? अरे मैं बैठा हूँ ना, मैं दुकान संभालूंगा, आप इतनी नाम से घूम के आइए। आप जरा शांति रखेंगे प्लीज। हाँ देख टप्पू बेटा। क्या देखूं पापा, आप कहीं घूमने लेके जाए तो देखूं ना। बेटा ऐसा घूमने का टाइम नहीं है मेरे पास। आपके पास तो कभी टाइम ही नहीं होता। वेकेशन में मैं क्या करूं? बोला ना अगले साल की पढ़ाई कर रहे हैं। चल मैं अभी जरा काम में हूँ, चल फोन रख अभी। फ्रेंड्स नो टाइम, अब मैं मेरे पापा का फोन करता हूँ। अरे पर उधर से फोन करना। ओए हाँ नंबर याद है ना? गुगी। ओए पिंकू तू मेरे गैरेज में क्या कर रहा है? अरे मैं यहाँ हूँ। अरे तेरे पापा को फोन मत करो, शायद किसी गड्डी के रिपेयरिंग में बिजी होंगे। अरे करने दे शायद इसका काम हो जाए। कर कर। ओए पापा जी। हाँ बोल अब्दुल प्रा। ओए पापा मैं गोगी बोल रहा हूँ। गोगी बता, अपने घर का फोन बीमार पड़ गया क्या? नहीं पापा, आप मुझे बताइए ना कि आपके गैराज में कितनी गड्डी रिपेयरिंग करने के लिए आई है। अरे वाह गोगी पुत्र, अभी से बिजनेस की बातें कर रहा है, शाबाश।
और पुत्र 5 गाड़ियां आई हैं। और उसमें से कितने अर्जेंट है? और पुत्र सारी गाड़ियां अर्जेंट ही होती है। क्यों की हो गया गोगी पुत्र? तो जाने दो। और यार तू शेर पुत्र है, और शेर कभी भी कोई बात बोलने से डरते नहीं है। बोल बोल। टप्पू सर को कल पूरा दिन घूमने जाना था, लेकिन आप तो बिजी हो। अरे पुत्र ये बात है तो बोल दे अपनी पूरी टप्पू सेना को, कल रोशन सिंह थोड़ी अंकल तुम सबको घुमाने ले जा रहे हैं रिसोर्ट। थैंक यू पापा। पापा हमें कल घुमाने ले जाएंगे। मतलब तू सच्ची में बच्चों को घुमाने लेकर जाएगा? अरे सच्ची मुच्ची, और ये तेरे रोशन सिंह थोड़ी का वादा है, जो गड्डी की हेडलाइट जैसे होता है जो एक ही जगह रहती है, और स्टेयरिंग जैसे नहीं तो इधर उधर घूमता रहता। पंजो रोशन, फिर तू बाद में मत बोलना कि रिपेयरिंग के लिए अर्जेंट गड्डी आ गई थी। और रिपेयरिंग के लिए अर्जेंट गड्डी वाली कोई बात होती नहीं है, और अगर ऐसा हो भी गया ना तो मैं पार्टी को बोल दूंगा और स्पेयर पार्ट्स मिले ही नहीं। और खुश पर देख रोशन, बच्चों को नाराज मत करना। हाँ मेरी जान, और मैं बच्चों को नाराज कर सकता हूँ पर तुझे नहीं। सो और क्या है ना, बच्चे नाराज हो गए तो तू भी रूठ जाएगी ना। रोशन तू तद्दन गेलो चे गेलो। पण दिल लो मैलो नथी, और जैसा भी हो तेरा हूँ सोनी है। अब एक काम कर, एक प्यारी सी मीठी सी पप्पी दे दे। चाल चाल अबे तू पण कई भी चुप। बाय। माल कर दिया सोनी है। ओ सोडी यार, ओ पुल्लू यार। सोनी पल्लू चिट्टे अपनी यारी इते ओ इते ओ इते ओ इते ओ अपनी यारी इते ओ इते 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 ओ अपनी यारी इते ओ इते 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 अब की यारे सोडी यारे, अब बेमिसाल यारे। ओए मक्खन, और डबल मलाई मार के एक लस्सी लेके आ। ओए रुक, एक लस्सी? तू लस्सी नहीं पिए? ओ यार मैं उन्हें चाय पीती है। ओ चाय पिए तो क्या हुआ? ओ यारों को कंपनी नहीं देगा? ओ बिल्कुल कंपनी दूंगा, और जाके दो लस्सी ले गया यार। ओ आते किधर? ओ यार तुझे इनविटेशन देने आया हूँ, ओ पार्टी के लिए। पार्टी का इनविटेशन? ओ केड़ी पार्टी? ओ अपना अमरजीत है ना कनाडा जा रहा है। अपना जीते कनाडा जा रहे? हाँ उसी की पार्टी है। कब? ओ यार बताया तो है रात को। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा, ओ मैं पूछ रहा हूँ अपना जीते कनाडा कब जा रहा है। वो जा रहा तो 3 दिन बाद है, लेकिन उसी खुशी में ना आज रात मेरे घर पे पार्टी रखी है। तेरी प्रीतो परजाई भी घर नहीं है। ओ तेरी रोशन परजाई तो है ना घर पे, मैं उसको झूठ बोल के पार्टी में नहीं आ सकता। हाँ ओ सोडी तुझे पता है तेरे बगैर पार्टी हो नहीं सकती। ओ यार जीता 7 साल के लिए कनाडा जा रहा है। ओ यार मैंने गोगी पुत्र और अपने सोसाइटी के सारे बच्चों को वादा किया है कि कल मैं उनको घुमाने ले जाऊंगा। ओ यार पार्टी रात को है, 1 बजे खत्म भी हो जाएगी, बाद में घर चले जाना, देखो किसने रोका है। ओ बल्लू यारा, ओ अपनी पार्टी कभी जल्दी खत्म हुई है क्या? ओ यार सोडी, अमरजीत 7 साल के लिए कनाडा जा रहा है, तो 7 साल मतलब 7 वेकेशन, 7 वेकेशन मतलब 1 वेकेशन में 60 दिन, उस 60 दिन के हिसाब से 420 दिन। बच्चों को घुमाने के लिए तेरे पास 420 मौके हैं, और पार्टी के लिए आज की यही एक रात है। भाई लस्सी। बल्लू यार लस्सी ना। देख बल्लू, गल रात दी नहीं है, गल ये है कि रात को देर से सोऊंगा और फिर जल्दी उठूंगा नहीं, और यार बच्चों के साथ 420 ही हो जाएगी। यार सोडी भूल गया, तुम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, जिस दिन तू हिस्ट्री का पेपर देने नहीं जाता था तू वो भी नहीं जाता था। ओ यार, और जीते जब इंग्लिश का पेपर नहीं देता था तो मैं भी उसको कंपनी देता था। और मैं तो कहता हूँ तुम दोनों ने फेल होने के लिए एक दूसरे को कंपनी दी है। बिल्कुल। और आज वो कनाडा जा रहा है, वो भी 7 साल के लिए, तू उसे मिलने तक नहीं आएगा। देख यार, जान मांगे तो अभी के अभी दे दो, पर टाइम नहीं दे सकता। क्या है ना, मैं अपनी रोशन को झूठ बोल के नहीं आ सकता यार। ओ यार कुछ भी बहाना मार दे, आगे हमने कम बहाने मारे। एक काम करता हूँ, और जीते को सिर्फ मिलने आ जाता हूँ। ओ यार अपने अमरजीत यार को कोरा कोरा विदा करेंगे। अच्छा चल, जल्दी निकलने के लिए मैं तुझे याद दिलाऊंगा, और तेरा बैठने का मन भी हुआ ना तो मैं तुझे धक्के मार के निकालूंगा। वो उनके साथ जाकर तुझे करना क्या है, वो बच्चे खेलेंगे और तू आराम से सोया रहना। वो सोटी बल्लू जीते, वो अपनी यारी कितने?
और रात को तैयार रहना, मैं आऊंगा तुझे यहाँ लेने और साथ में मेरे घर चलेंगे। पर तेरे घर में तो परमजीत भाजी और बलजीत भरजाई जी होंगे, उनका क्या? ओ यार वो लोग पंजाब गए हैं, वो पूरा घर खाली है, मतलब पार्टी, यानी कि अपनी जोरदार पार्टी पकी। छोटी बल्ली जीते अपनी यारी जीते, ओ इते ओ इते ओ इते, अपनी यारी जीते ओ अपनी यारी जीते ओ अपनी यारी जीते ओ अपनी यारी जीते, जीते वो पांच ईयर से कर। दोस्तों 2020 का मैच हो और किसी बॉल पे फ्री हिट मिल जाए, उस पे बल्लेबाज बैट ना घुमाए, पॉसिबल नहीं है। पाव से कोई पानी नदी बन के उतर जाए, वो वापस पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाए, संभव नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे मित्र रोशन सिंह सोडी किसी को ना कह दे, ये संभव नहीं है। अब गोगी और टप्पू सेना ने कहा कि भाई घुमाने ले जाइए, ना नहीं कह सका। रोशन भाभी ने कहा कि पार्टी शार्टी मत करो, ना नहीं कह सका। उनके दोस्त बल्लू ने ये कहा कि भाई पार्टी करते हैं, इंसिस्ट किया, उन्हें भी ना नहीं कह सका। अब सब जगह हाँ ही हाँ। जिंदगी में ना कहना आना चाहिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, यू शुड नो हाउ टू से नो। अगर पांडवों ने कौरवों को जुआ खेलने के लिए ना कह दिया होता तो शायद महाभारत नहीं होता। हम और आप अगर रिश्वत देने के लिए ना कह दें या भ्रष्टाचार के लिए ना कह दें तो देश राम राज्य बन जाए, लेकिन हम ना नहीं कह पाते, जैसे कि हमारे सोडी ने ना नहीं कहा। अब इस ना नहीं कहने के कितने परिणाम हो सकते हैं आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप बड़े समझदार हैं। परिणाम ठाके धमाके हंगामे, बस हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब देखते हैं सोडी क्या करता है, देखते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.